पैगंबरों ने सफ़ेद लगाई, मैं नहीं कह रहा हूं, इमाम सालवी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक, सफ़ेद लगाई। पैगंबर नूर के नाके पे सवार थे और जिब्रील लगा में नूर थामे हुए आगे आगे चल रहे थे। पैगंबर के चेहरे मुकद्दस पर नूर की नकाब थी। ये मेराज नामों से नहीं पढ़ रहा हूं, हदीस की किताबों में है, ये ढूंढ ले हदीस की किताबों में। अच्छा, तो पैगंबर नाके नूर पे सवार है, लजा में नूर जिब्रील के हाथ में है, पैगंबर के चेहरे पर नकाबे नूर है, सारे अंबिया दाहिने बाएं खड़े हुए हैं। नबी सलाम करते जाते हैं, मेरा नबी उन्हें जवाब देता जाता है। जब सारे नबियों ने सलाम कर लिया तो एक मतलब वही आई, वसल मन अरसलना मिन कबले का मिन रसूलना आज अल्लाह मिन दूनी रहमान आलिह तन जो अबदून। इमाम सारबी की तफसीर से पढ़ रहा हूं, एक मतलब अल्लाह ने कहा मोहम्मद रुक जाओ, मेरा नबी रुका, कहा मुड़ो और इन सारे नबियों से पूछो कि इन्हें किन शर्तों पे हमने नबूवत दी है। बस तकरीर आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। मेरे हबीब इन सारे नबियों से पूछ कि हमने किन शर्तों पे इन्हें नबूवत दी है। मेरा नबी मुड़ा और मुड़ने के बाद उसने सारे पैगंबरों से पूछा, पैगंबरों बतलाओ तुम्हें अल्लाह ने किन शर्तों पे नबूवत दी है। कहा या रसूल अल्लाह नकाबे नूर उल्टे ताकि हम आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत करें फिर हम जवाब देंगे। रसूल ने नकाबे नूर उल्टी और सारे नबी बोले या रसूल अल्लाह हमें नबूवत मिली है तीन शर्तों पर, अल्लाह की तौहीद का इकरार, आपकी नबूवत का इकरार और आपके भाई अली की विलायत का इकरार। या रसूल अल्लाह तीन शर्तों पर हमें नबूवत मिली है, अल्लाह की तौहीद का इकरार, ईमान नहीं इकरार, ईमान होता है दिल से इकरार होता है जबान से, ईमान होता है दिल से इकरार होता है जबान से। तो अल्लाह की तौहीद का इकरार, आपकी रिसालत का इकरार, आपके भाई की विलायत का इकरार, ईमान नहीं। तो जब इकरार लिया था कि भाई मुझे एक मानोगे तो जबान से कहा होगा ना नबियों ने ला इलाहा इल्लल्लाह, जब इकरार लिया होगा इसे रसूल मानोगे या नहीं तो जबान से कहा होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब इकरार लिया होगा मोहम्मद के भाई अली की विलायत मानोगे या नहीं तो कहा होगा ना अली वलीउल्लाह। इकरार ईमान नहीं इकरार, तो कहा होगा ना अली वलीउल्लाह। अब समझ में आया कि ये कलमा कितना पुराना है। तकरीर तमाम होने वाली है। मैंने आपको सहमत दी, कलमा पुराना है ना, तो मैं तो बहुत लिबरल इंसान हूं, हर मसलक के लोग, अच्छा इस्लाम के बाहर के लोग भी मेरे दोस्त हैं, तो अगर कभी कोई पूछता है कि जनाब ये तीसरा कलमा आपने बढ़ाया कब से, पूछते हैं कि ये तीसरा कलमा आपने बढ़ाया कैसे, तो मैं जवाब में कहता हूं जनाब आपने घटाया कब से, इसलिए ये तो नबियों का कलमा था।